लोग बोल रहे थे रईस भाई 15 दिन 20 दिन में जीत गया है, क्यों उनकी नसीब थी। मैं बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, नसीब हमारी है जो रईस भाई साथ भी हमने हमारे को मिला है, ताकि रईस भाई की नज़र में जब कोई काम आता है तो फौरन उसको ऑर्डर करते हैं कि ये काम किया जाए, जिसकी वजह से जगह जगह पे काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। जो चीज़ कोई सोचे नहीं थे वो रईस भाई ने किए। इस्माइल भाई क्या कहेंगे रईस भाई का 4 साल पूरा हुआ, क्या लग रहा है कितना काम हुआ शहर में? काम के ताल्लुक से तो क्या बताना, सब पब्लिक जानती है, हम बताने से तो मज़ा भी नहीं आएगा। पब्लिक खुद बोल रही भिवंडी की कि और ऐसा MLA और एक कोई पैदा हो जाए रईस भाई के। रईस भाई को दो जगह से लड़ाने के लिए बोल रहे लोग। अभी हम लोग को चाहिए कि ये 4 साल नहीं पूरे 40 साल निकालना है इधर रईस भाई को, समझे। और हमारे अध्यक्ष की ये भी है कि भाई हमारा वो आसिम आजमी साहब जो हमारे को ऐसा लीडर नेता भेजे जिसका दिल खुश कर दिए भिवंडी वालों का। और दूसरी बात, लोग बोल रहे थे रईस भाई 15 दिन 20 दिन में जीत गया है, क्यों उनकी नसीब थी। मैं बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, नसीब हमारी है जो रईस भाई साथ भी MLA हमारे को मिला है। आप शांतिनगर इलाके से आते हो, थोड़ा बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या काम हुआ रईस भाई की तरफ से? वहाँ पे पहला काम हुआ कब्रस्तान रहमतपुर, समझे, 25 लाख की नीति उधर लगी फंड। फिर बाद में शादी हॉल का काम चालू हुआ, फिर ऊपर चिश्तिया मस्जिद के पास कब्रस्तान का काम हुआ, फिर अपना गैबी नगर कब्रस्तान का काम हुआ, फिर अपना बिलाल नगर का बिलाल नगर मस्जिद के बाजू में जो पूरा ब्लॉक वगैरह लगाया गया, फिर अभी मेन रोड का काम चालू है, फिर पाइपलाइन रोड का काम चालू है। लगभग वहाँ तो काम कुछ बचा नहीं, हमको भी फंड मिला, अपने बॉस साहब को भी फंड मिला, सबको तो फंड देते गए सब। अपोजिशन पोजिशन कुछ नहीं देखे रईस भाई ने, ये सब सार्वजनिक समझ के काम कर रहे हैं आज भिवंडी के अंदर। अल्लाह ताला उनको और आगे बढ़ाए और कामयाब करे। रईस भाई को आज 4 साल पूरा हुआ, इसके मौके पर क्या कहेंगे आप? रईस भाई का अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पूरा हो गया, उसके मैं पहले शहर बोलूँगा। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी। रईस भाई जहाँ भी जाते हैं लोग चाहते हैं हमारे एरिए से रईस भाई सर्वे करें, ताकि रईस भाई की नज़र में जब कोई काम आता है तो फौरन उसको ऑर्डर करते हैं कि ये काम किया जाए, जिसकी वजह से जगह जगह पे काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। जो चीज़ कोई सोचे नहीं थे वो रईस भाई ने किए, जैसे शांतिनगर पाइपलाइन वाला रोड, जिसकी वजह से बहुत लोगों को वहाँ फ़ायदा होगा। गैबी नगर में जिम का मामला रईस भाई ने करके दिया, स्कूल नंबर 62 जिसमें मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, और आज वो स्कूल जब दोबारा अच्छे से बन रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद सामने पंचायत समिति की जगह थी जिसको रईस भाई ने उर्दू किताब घर के लिए भी पास करा रहे, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो काम हो जाएगा।
उसके बाद रईस भाई कोशिश कर रहे हैं बाबला कंपाउंड साइड एरिया में सर्वे नंबर शायद 52 में, जिसमें स्कूल है और गार्डन है और अपना हॉस्पिटल है, जो अम्मा ने मांग किया था उसमें, और रईस भाई कोशिश भी किए थे उसके अंदर, और अब की जो डीपी प्लान पास हुआ उसमें वो चीज़ आ गई है, समीर होटल के सामने उसमें वो चीज़ डीपी प्लान में आ गया है। इंशाल्लाह जब प्लान में आ गया तो काम जल्द से जल्द होगा। उसके बाद रईस भाई जो है अपना रहमतपुर कब्रस्तान का भी फंड दिए, और उन्होंने जो है रहमतपुर में हॉल का काम किया है, गैबी पीर कब्रस्तान का फंड दिया है, उसके बाउंड्री का काम दिए, उसके पटरा शेड का काम दिए, और ये रोड के लिए जो पानी का काम ला रहे रईस भाई वो बहुत बेहतरीन काम लाए। अगली बात मंडी को कफील करने के लिए 450 करोड़ का फंड ला रहे हैं, जो भिवंडी के लिए पानी के लिए 30 साल के लिए फुर्सत हो जाएगी और कोई उसमें कमी नहीं होगी इंशाल्लाह, और स्ट्रीम वाटर पंप वो आएगा। तो इस तरह के काम जो है वो बेमिसाल है, इसीलिए नारा दिया गया है 4 साल बेमिसाल, इसीलिए नारा दिया गया। और बाकी किसी जो कैंडिडेट है या जो भी आज तक आमदार रहे उनके लिए ये नारा नहीं लगा, क्योंकि वो काम ही नहीं करे किसी ने। आज वो 4 साल बेमिसाल इसीलिए दिया जा रहा है ताकि वो काम हो।